दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में हाजिर हूँ बहुत बड़ी गुड न्यूज़ के साथ। दोस्तों राजस्थान बिजली विभाग भर्ती 2019, तो बिजली विभाग का सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है। और जो बिजली विभाग में आपने 9000 पद बजट के दौरान सुने थे कि 9000 पदों पर बिजली विभाग में भर्ती आएगी, तो उसका अपडेट है दोस्तों, बड़ा अपडेट है। कौन कौन से पद होंगे उनका पूरा का पूरा यहाँ पर वर्गीकरण हम बताने वाले हैं आपको कि किन पदों पर ये वैकेंसी की जाएगी। और दोस्तों ये वैकेंसी बहुत जल्द आपके सामने होगी और इसमें टोटल जो पद हैं 9000 कुल पद होंगे। और कौन कौन से पद होंगे वो आप आगे वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों ये बड़ा अपडेट है, हर एक अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर चांस मिलने वाला है। ये देख सकते हैं दोस्तों, सरकारी बिजली कंपनियों में 9000 पदों पर भर्ती होगी। 2000 जो जयन के पद भरे जाएंगे और 6000 तकनीकी पद भरे जाएंगे। अब दोस्तों इसके आगे भी बहुत जानकारी इसमें दी गई है, ये देखिए आज की न्यूज है। प्रदेश की बिजली कंपनियों में 9000 इंजीनियरों व कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बाद। देखिए इस भर्ती पर काम भी शुरू कर दिया है बिजली कंपनियों ने, प्रबंधन से संबंधित विभागों से कैडर स्ट्रेंथ के हिसाब से प्रस्ताव मांगे हैं। तो यहाँ पर बिजली कंपनियाँ प्रस्ताव मांग रही कि कितने जो वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, उनको आपको ज़रूरत है और वो प्रस्ताव मांग रही हैं। बिजली कंपनियों में करीब 2000 जेएन व आईएन की भर्ती होगी। तो दोस्तों 9000 में से 2000 आईएन और जेएन की भर्ती होगी, ठीक है। इसके अलावा लेखा विभाग में देखिए, लेखाकार, लेखाधिकारी सहित अन्य पदों पर 1000 से ज़्यादा, तो 1000 लेखाकार, लेखाधिकारी और अन्य पद, ठीक है। और बाकी जो 6000 पद हैं, तो 6000 पदों पर तकनीकी सहायक और मंत्रालय कर्मचारी, तकनीकी सहायक और मिनिस्ट्रियल जो स्टाफ है उसकी वैकेंसी होगी। बिजली वितरण कंपनियों के सब डिवीजनों में टेक्निकल और मंत्रालय कर्मचारी की कमी है, ऐसे में उपभोक्ता सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में ज़्यादातर काम ठेके पर दे रखे हैं। बिजली कंपनियों में पिछले दिनों नए सब डिवीजन भी बने, लेकिन नियमों के अनुसार वहां पर स्टाफ ही नहीं है। तो दोस्तों ये बड़ा अपडेट है। और 6000 जिसमें आपके होंगे टेक्निकल हेल्पर, ठीक है, तो ये बड़ा अपडेट है। 6000 टेक्निकल हेल्पर की एक और भर्ती की जाएगी, पिछले साल भी एक रिक्रूटमेंट किया था और अब 6000 पद टेक्निकल हेल्पर के होंगे। टेक्निकल हेल्पर में दोस्तों आईटीआई के जो अभ्यर्थी हैं वो यहां पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और जेएन आईएन के लिए जो डिप्लोमा और डिग्री हैं बीटेक वगैरह की, ये अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा लेखाधिकारी वगैरह के जो पद हैं इसमें स्नातक को मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए बिजली कंपनियों ने प्रस्ताव मांग लिए हैं कैडर से और ये प्रस्ताव बहुत जल्द मिल जाएंगे। और दोस्तों जो भी वैकेंसी राजस्थान सरकार की ये बजट सत्र की हैं, बिजली कंपनियों वाली जो वैकेंसी है, ये भी दोस्तों आपको अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट में मिल जाएगी। तो ये बड़ा अपडेट है दोस्तों बिजली विभाग की, 9000 पदों के लिए कौन कौन से पद होंगे और कब तक ये वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों हमारा अनुमान जो 99% है वो सितंबर में ये वैकेंसी आप लोगों के सामने टेबल पर होगी। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको हर एक जानकारी बड़े प्रमाणिक तरीके के साथ। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।